तेरा दर्द मैं समझदा सरताज, जे किसे नूं उसका प्यार ना मिले ना, ओदी जिंदगी उस बाग वांगू हो जाती है जिहदे च कोई फुल नहीं होता। कहण नूं तां ओह बाग ही है पर किसे उजाड़ तो घट नहीं। पर सरताज, तेरे ये सब करन नाल गुरमन आंटी की जान भी तो बचेगी। देख यार, प्यार च जान लैण वाले भी बहुत बैठे ने ते जान देण वाले भी बहुत ने, पर अपने प्यार नूं कुर्बान करके किसी होर की जान बचाने वाला सिर्फ तू ही है सरताज। और सरताज से अर्शप्रीत का विवाह आप कैसे रोकेंगे? सारा, मैंनू कुछ समझ नहीं आ रही, और मैं की करां यार? सारा, मैंनू बहुत डर लग रहा है। जे मैं सरताज नू खो दिता फिर तेनू पता है लाल रंगी बाबा आखरी कड़ी सी जिहदे नाल असीं सरताज दा विआह रोक सकते ही। मैनू लगता है कि साडे लभन तो पहला प्रभजोत आंटी ने वो लाल रंगी बाबे नू लभ लिया। सानू किवें पता लगेगा कि लाल रंगी बाबे नू कित्थे लुको के रखे है? कीरत, इधर वे आज तक जेड़ी कीरत हर मुश्किल का सामना इन्नी हिम्मत नाल करती आ रही है, वो किवें हार सकती है? तू हर मुसीबत का सामना आखिरी दम तक कीता है कीरत, ते हर बार जित भी हासिल कीती है। ते मैनू पूरा कॉन्फिडेंस है तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ना बहुत जल्दी लभ लेंगे। बस हुण आपां यही सोचना कि प्रभजोत आंटी ने लाल रंगे पापे नूं कित्थे लुकोया हो, कोई इहो जी जगह जिहड़ी उहनां लई सब तो सेफ होवे। देख सारा, असीं लाल रंगी बाबे दे पोस्टर सारे शहर च लगाते हैं, जे लाल रंगी बाबा कितें बाहर होया ते वो ईजीली फड़िया जाएगा। ते मैनू लग रहा है कि प्रभजोत आंटी ने लाल रंगी बाबे नू किसे ऐसी जगह लुको के रखे जिथे उन्हें बाहर जाने की लोड़ ही ना पवे। हाँ, ते उहदे चेले ने भी तो दस्सिया सी ना कि पापा बहुत बीमार है, ते उन्हें केयर की भी ज़्यादा जरूरत होगी। पर चेले नू भी कित्थे पता है कि लाल रंगी बाबा कित्थे लुकिया होया? इसका मतलब प्रभजोत आंटी ने ना उन्हें कोई एहो जी जगह लुको के रखे जिथे उहदी केयर वो आप कर सकन। मतलब प्रभजोत आंटी दे घर दे आस पास? नहीं सारा, प्रभजोत आंटी दे घर दे आस पास नहीं। फिर देख, पुलिस चोर नू हर जगह लभदी है, ते जे चोर पुलिस दे घर लुकिया होवे फिर पुलिस लई चोर मिलना नामुमकिन है। एदा मतलब? एदा मतलब कि प्रभजोत आंटी ने लाल रंगी बाबे नू अपने घरे लुको के रखे है। जरूर बाबा प्रभजोत आंटी दे घर ही होएगा। पर कीरत, ये भी तो हो सकता ना कि इस काम दे लिए प्रभजोत आंटी ने किसी तो हेल्प ली होवे, ते लाल रंगी बाबे नू किते होर लुकोया होवे, ते उन्हां दी सेवा दे लिए किसी होर नू रखा होवे। देख सारा, वो तो कुछ भी सकता है, पर सानू रिश्ता लेना पैना है ना। पर कीरत, जे लाल रंगी बाबा प्रभजोत आंटी दे घर होया भी तो तू उन्हें लभ भी नहीं सकती, क्योंकि तेरा तो प्रभजोत आंटी का घर जाना इम्पॉसिबल है ना। कल सरताज का मंगना है ते प्रभजोत आंटी कीरत नू आउण तो रोक सकते ने, पर किसे मेहमान नू नहीं। भाई लवली, तू भी मेहंदी लगवा ले। सिमरन, अपने ताई दी भी मेहंदी ला दे। ओ मैं नहीं, नहीं ला ले। लवली बेब, असीं आने आ। अच्छा, हाय हाय नी कुड़ियो, ब्याह वाले घर विच कोई गाना गुणा भी कर लो। गीत संगीत तो होना चाहिए, क्यों निर्मल आप गाना बजाना ना करिए? हाँ भाई हाँ, ब्याह का घर है, कोई टोलके शोलके बजाओ।
किरण जोत तू एवं कर जाके ना ढोलकी लाया आप गाना बजाना कर दे ढोलकी स्टोर रूम च पई है वो तो मिट्टी नाल गंदी हो गई होनी है ते स्टोर रूम केड़ा कनेडा जा जा लेके आ जाके पर उदी चाबी भाभी कोल है प्रभजोत किथे है भाभी मैनू लगदा भाभी किचन च ने वो सारे लिए शरबत बनाउण गए ने अब तुसी रुको मैं हुणे लेके आउनी है किरण रुक मेरे को एक्स्ट्रा चाबी हैगी आ स्टोर रूम दी मैं जाके ढोलकी लेके आना तू बैठ इत्थे अपना टाइम वधिया सी बस आ दो चार टिक्के जे लाए ते मेहंदी हो गई आहो पता नहीं है कुड़ियां पाइप ना की जलेबियां जी कड्डी जांदियां सही गल है कुड़े पकौड़े जे बन जांदियां मम्मी जी लो लिया भाई लिया लवली शरबत ले वधिया लाइयो कुड़ियां है लो किरण जो शमी जी कितने हैं वीर जी स्टोर च गए ने ढोलकी लैन लवली जी कह रहे सी कि माहौल बहुत सुनना है थोड़ा जिहा नच टप लैने हैं शमी जी तू इतने कर रही है ओ किरण जोत कह रही सी तुसी ते ढोलकी लैन आए हो मैं सोचा थोड़ी हेल्प कर दवा तुसी लॉक फड़ाओ तुसी चलो मैं लॉक करके आनी हां ठीक है जी की होया थानू पापा जी तुसे ठीक हो ना पापा जी उठो मारो आ जाओ पापा जी बाबा जी इतने बैठ जाओ आराम नाल
पापा जी आ दवाई लो। मैंने मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, मैंने ट्रीटमेंट चाहिए। पापा जी तुसी फिकर ना करो, डॉक्टर ने गल कर ली हुई है, बस दो दिन से थोड़ा किडनी का ऑपरेशन करवा दूंगी। बस दो दिन और सबर कर लो, मैं खुद थोड़ा ऑपरेशन करवाऊंगी। ठीक है पापा जी। मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप होया, मैं दो प्यार करने वाले नूं अलग किया, शायद इसलिए रब ने मैनू इन्नी वड्डी सजा दिती है। रब्बा मैं सारी उम्र तेरा नाम जपया, मैनू मेरे इस गुनाह लई माफ कर दे। पता तू की सोच रहा है, पर मैं ये भी पता कि तू अपने जज्बात से काबू रख सकता है। मैं इतने तेन समझा नहीं है, मैं पता कि ऑलरेडी समझदार है तू। जिन्नी हिम्मत ना ये सब तू कर रहा ना, ये तू ही कर सकता, कोई होर नहीं। जिंदगी से जो भी होता ना डैड, हर रब की मर्जी नाल होता है। ते मैं अपनी किस्मत का फैसला रब के हाथ छड़ दिता, जो भी होएगा खुद ही मर्जी नाल होएगा। वेल डन पुत्र, आई एम प्राउड ऑफ यू। की करा हुण मैं बाबा जी, किवें रोका उन्हां नूं ये ब्याह करन नूं। कीरत पुत्र तो थक गई होएंगी, सवेर दी भज्जी फिरदी है, थोड़ा आराम कर ले। तेनू पता कीरत, जदों तू निक्की हुंदी सी ना, तेनू जिन्नी मर्जी गूढ़ी नींद आई होवे, पर मेरे बिना कदे तू सौण लई नहीं सी गई। सारे कहिंदे हुंदे सी जिस दिन गुरमन घर ना होवे कीरत सौंदी ही नहीं। आजा पुत्तर बह जा। पता अज तेनू सौखी नीत नहीं आनी, जदों एक पासे जिंदगी च सारियां खुशियां लुटियां जा रही होण, उदों नींद किवें आ सकती है। एक पासे तेरे पापा बीमार ने,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਰਤ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਦੇਖਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਰਤ? ਉਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਾਪਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਪਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਹੁਣ? ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਾਪਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਮੰਮੀ, ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਰਤ? ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੰਮੀ, ਪਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਪਸੰਦ ਆਈ? ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਆਂਟੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਰਨਜੋਤ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਤਾਜ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਵੇਟਰ ਕਿੰਨੀ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਤਾਜ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਕੀ? ਸਾਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇਂਗੀ? ਦੇਖ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਆਂਟੀ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ।
तू ना बस हुने सब कुछ छड़ के ओथों हुने ही निकल। नहीं सारा, मेरे को आखिरी मौका है। जे हुन लाल रंग की बाबा ना मिलिया ते साडा रिश्ता टुटन तो कोई नहीं बचा सकता। हुने लड़ाई आर पार दी है, इस दे विच जित होएगी या फिर हार। अच्छा ठीक है, तू ना प्लीज अपना ध्यान रखी। हाँ कुछ भी होवे ना सब तो पहले मैनू फोन करी। हाँ ओके। ते हाँ सच, मनी अंकल ना डिस्चार्ज करता इत्थों। चल शुक्र है, कोई एक चीज तो वधिया हुई। तू एक काम कर, उन्हें लेके ना कर जा, मैं थोड़ी देर तक आनी हूँ। ओके चल ठीक है। ओके